नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार लोना, आईसीसी एकेडमी अबोहर पंजाब से। आज हम लोग करंट जीके के ऊपर डिस्कस करेंगे जी। इसमें जी हम लोग मेनली दो टॉपिक लेंगे जी, जो कि अब बड़ी चर्चा में है जी, जिसमें एक आयता है ब्रिक्स और दूसरा है जी रमन मैक्सेसे अवार्ड जी। तो पहले हम ब्रिक्स के ऊपर चर्चा करेंगे जी। जैसे कि आप पढ़ रहे हो जी, ब्रिक्स 2018 पहली बार जी 2001 में ब्रिक वर्ड यूज किया गया था जी। उस वक्त एस नहीं था बीच में जी, तो धीरे धीरे प्रोसेस चलने लगा। 2006 में जी ब्रिक के जो फॉरेन मिनिस्टर थे जी, इनकी एक मीटिंग हुई है जी न्यूयॉर्क में, और सही महीनों में जी इनकी पहली जो सम्मिट हुई है जी वो 2009 में हुई है जी, 2009 में जी, और ये रशिया में हुई थी। ये क्वेश्चन आने की जी पूरी उम्मीद है जी भी, इसकी पहली सम्मिट जो है जी कहाँ पे हुई थी और कब हुई थी। 2009 में हुई थी और रशिया में हुई थी। 2010 में जी इसे साउथ अफ्रीका ने भी ज्वाइन कर लिया और तब इसका नाम पड़ गया जी ब्रिक्स। तो अब जी इसमें यह भी पूछ लेता है भी, अब वाली जो सम्मिट है वो तो आपको पता ही होनी चाहिए, जो इससे पहले हुई है यानी 2017 में वो भी आपको पता होनी चाहिए, जो नेक्स्ट कहाँ पे होने जा रही है वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो जी हम देख रहे हैं जी 2017 की जो सम्मिट हुई थी ये चाइना में हुई थी जी। 2018 की सम्मिट जो कि हमारा आज का चर्चा का विषय है, ये जोहान्सबर्ग में हुई है जी, 25 जुलाई से लेकर के 27 जुलाई तक। ये 10th ब्रिक्स की सम्मिट थी जी। तो जी इसका जो थीम था वो था जी ब्रिक्स इन अफ्रीका, कोलेबरेशन फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ एंड शेयर प्रोस्पेरिटी इन द 4th इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। तो इसमें मेन दो ही पॉइंट आप देख रहे हो, ब्रिक्स इन अफ्रीका और सेकंड पॉइंट क्या दे रखे हैं, 4th इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जी। जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे जी, 2018 वाली जो है जी ये जोहान्सबर्ग में हुई है साउथ अफ्रीका में। अब बात ये आती है 2019 वाली जो होनी है जी ये कहाँ पे होगी जी। 2019 वाली जो है जी ये प्रपोज्ड है जी ब्राजील में, और उसके बाद जी फिर 2020 वाली जो है जी ये फिर कहाँ पे होगी जी, रशिया में जी। अब एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है, क्या इंडिया में कभी ब्रिक्स की सम्मिट हुई है। इंडिया में जी ब्रिक्स की सम्मिट जी दो बार हुई है। एक तो हुई है जी 2012 में, यानी जो 4th सम्मिट थी इसकी जी वो इंडिया में हुई थी, और दूसरी जो हुई है 2016 में, यानी जो 8th सम्मिट थी जी वो भी इंडिया में हुई थी जी। तो इंडिया में दो बार ब्रिक्स की सम्मिट हो चुकी है जी। तो अब हम देख लेते हैं इसके मेंबर कंट्रीज जो है जी। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है जी, ब्रिक्स, बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका जी। तो जी इन सभी कंट्री की आपको कैपिटल भी पता होनी चाहिए और इनके हेड्स भी पता होनी चाहिए। तो जी ब्राजील की राजधानी है जी ब्रासिलिया, ये कैपिटल दे रखी है सारी की सारी जी। रशिया की राजधानी है जी मॉस्को, इंडिया की राजधानी है न्यू दिल्ली, चाइना की है जी बीजिंग और साउथ अफ्रीका की केप टाउन जी। इनके हेड्स की हम बात करेंगे जी, ब्राजील का प्रेसिडेंट जी मिशेल तैमार जी, रशिया का प्रेसिडेंट जी व्लादिमीर पुतिन, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जी नरेंद्र मोदी, चाइना के जी प्रेसिडेंट जिनपिंग, और साउथ अफ्रीका के जी प्रेसिडेंट जी रामाफोजा, श्री रामाफोजा जी। तो जी ये पांचों के पांचों हेड आपको याद होने चाहिए जी। तो पूरी उम्मीद है जी इसमें से आपको एक क्वेश्चन डेफिनेटली मिल जाएगा। तो अब हम देखते हैं ब्रिक्स का मेन रोल क्या है जी। जहां तक अगर हम बात करें जी, अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो ब्रिक्स देशों में जी पूरे वर्ल्ड की लगभग जी 41% यानी 41% पॉपुलेशन जो है जी रह रही है जी। और ब्रिक्स जो कंट्री है जी ये पूरे वर्ल्ड का जी जो एरिया है जी ये लगभग 25% कवर कर रही है। क्योंकि आप देखिए, रशिया सबसे बड़ा मुल्क है जी, वो भी इसमें आ गया जी, चाइना बड़ा मुल्क है, इंडिया बड़ा मुल्क है, वो भी इसमें आ गए हैं। तो ये पूरे वर्ल्ड का जी लगभग 25% एरिया कवर कर रही है जी। जहां तक अगर हम वर्ल्ड लेवल की बात करें तो वर्ल्ड लेवल में जी पूरे वर्ल्ड में जो प्रोडक्ट है ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट जी उसका जी लगभग 23.2% जी इन देशों का जी कंट्रीब्यूशन है जी। अब हम बात करेंगे जी रमन मैक्सेसे अवार्ड 2018 की। तो पहले हम बात करेंगे रमन मैक्सेसे अवार्ड जो है जी ये है क्या चीज, किसके द्वारा दिया जाता है जी। जैसे कि आप देख पा रहे हो जी, इट इज गिवन बाय फिलीपींस गवर्नमेंट जी, ये फिलीपींस की गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है जी। रमन मैक्सेसे जी फिलीपींस के प्रेसिडेंट थे जिनकी जी एयर क्रैश में मृत्यु हो गई थी जी, और उसके बाद जी गवर्नमेंट ने ये अवार्ड देना शुरू किया। ये अवार्ड जी 1957 ऑनवर्ड जी हर साल दिया जाता है जी। इस अवार्ड की अहमियत आप यहीं से समझ लीजिए जी, इस अवार्ड को क्या कहा जाता है, एशिया का नोबल प्राइज। तो ये मैक्सिमम एशियंस को ही दिया जाता है जी। अगर किसी और को देना है तो ये देखा जाता है भी उसने एशिया में कितने साल बिताए और उसने एशिया में क्या कंट्रीब्यूशन दिया है, तब उसको चूज किया जा सकता है जी। तो जी इस साल जो रमन मैक्सेसे अवार्ड दिया गया जी,
ये 6 लोगों को दिया गया जिसमें 2 भारतीय थी। तो पहले हम उन 2 इंडियंस की ही बात करते हैं, वो कौन कौन से हैं जी। फर्स्ट है जी भारत वटवानी, ये जी श्रद्धा रिहेबिलिटेशन फाउंडेशन चला रहे हैं जी मुंबई में। मुंबई में जी जो लोग फुटपाथ वगैरह पे रहते हैं जी, उनको कई तरह की इल ट्रीटमेंट्स होती हैं, मानसिक रोगी वगैरह जो होते हैं जी, ये उनकी मदद करते हैं जी। ये अवार्ड जी सेल्फलेस सर्विस के लिए ही दिया जाता है जी। नेक्स्ट हम देख रहे हैं जी सोनम वांगचुक जी, सेकंड इंडियन जी जिसको ये अवार्ड दिया गया जी। आपने एक नाम सुना होगा जी फुनसुक वांगडू जी, 3 इडियट मूवी में जी आमिर खान ने ये रोल अदा किया था जी, ये इसी से प्रेरित थे जी। सोनम वांगचुक जो है जी ये लद्दाख के एरिया में जी बच्चों को जी फ्री पढ़ाते हैं जी, ये एजुकेशन रिफॉर्मर हैं जी। तो आप बाकी के ये 4 नाम भी देखिए जिनको ये अवार्ड दिया गया जी। एक तो जी कैम्बोडिया से हैं, सेकंड जी ईस्ट तिमोर से हैं, थर्ड फिलीपींस के हैं और फोर्थ वियतनाम के हैं जी। अब हम आगे देखते हैं जी, क्या इससे पहले भी किसी इंडियन को ये अवार्ड मिल चुका है। फर्स्ट इंडियन टू रिसीव दिस अवार्ड वाज जी आचार्य विनोबा भावे जी। आचार्य विनोबा भावे का जी 2 क्वेश्चन जो बड़े चर्चा में रहते हैं जी, एक तो ही सबसे पहला ये रमन मैग्सेसे अवार्ड किस इंडियन को मिला था इसके लिए चर्चा में रहते हैं, और दूसरा क्वेश्चन आया था जी भूदान मूवमेंट हमारे देश में एक चला था जी, भूमि का दान करना जी, तो उसके लिए इनका नाम जी बड़ा चर्चा में रहता है जी, इन्होंने बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था उसमें जी। तो बाकी जो फेमस इंडियंस है जी, जैसे किरण बेदी है जी, बाबा आमटे है, TN सेशन है जी, अरविंद केजरीवाल है जी, जयप्रकाश नारायण है, MS सुब्रलक्ष्मी वगैरह जी, ये सारे इंडियंस हैं जिनको ये अवार्ड मिल चुका है जी। तो जी मैं उम्मीद करता हूँ जी अब जो भी करंट एग्जाम आ रहे हैं जी, जिनमें करंट GK आएगी, तो उनमें जी इन दोनों टॉपिक्स में से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा जी। तो आप इसको दोबारा प्रॉपर से देख लीजिए जी, और इसको जी अपनी डायरी पे नोट वगैरह भी कर लीजिए। तो जी मैं उम्मीद करता हूँ जी आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा जी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो जी, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू जी।